बच्चों, मैं निहासन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का पाठ 6 लेकर के। इससे पहले हम 5 पाठों के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए और पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे उषा कविता, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की जी है। शमशेर बहादुर सिंह जो है हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और इन्हें अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के अंदर विशेष स्थान प्राप्त है। बच्चों, अज्ञेय जी ने तार सप्तक की जो रचना की थी, तार सप्तक के अंदर प्रमुख 7 कवियों की रचनाओं को विशेष स्थान प्राप्त होता था। तो प्रथम तार सप्तक के अंदर पहले 7 कवियों का, फिर दूसरे तार सप्तक के अंदर अलग कवियों का, ऐसे करके उन्होंने चार सप्तकों का संपादन किया था। और दूसरे नंबर का जो सप्तक था, उस सप्तक के अंदर शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाओं को सम्मिलित किया गया था। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे, इनका जन्म देहरादून में हुआ था सन 1911 के अंदर, और मात्र 8 या 9 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था, और 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। लेकिन मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर इनकी पत्नी भी टीबी से चल बसी। इनका जो विवाह जीवन था वो केवल 6 वर्ष तक चला, और 6 वर्ष के पश्चात इनकी जो पत्नी पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी क्षय रोग के कारण, टीबी के कारण। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने जीवन को, यानी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने काव्य को, यानी इनकी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा थी, उसको और ज्यादा निखारा और अपने काव्य को आगे बढ़ाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। बिंबधर्मी, बच्चों बिंब क्या होता है? जब बिंबों के माध्यम से अर्थात साइन लैंग्वेज के द्वारा किसी चीज को दर्शाया जाता है। साइन लैंग्वेज का मतलब है बिंब, यानी ऐसे उदाहरण देना जिन उदाहरणों के माध्यम से एक शब्द चित्र लोगों के सामने उपस्थित होता है। जैसे हम उषा कविता के अंदर पढ़ेंगे, उषा कविता के अंदर कवि ने ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करा है जिनके माध्यम से आप उस कविता को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा मानो वो दृश्य आपके नेत्रों के आगे चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे कवि थे कौन? शमशेर बहादुर सिंह जी। और इनकी कविताओं में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता, यानी उस समय जो प्रगतिशील धारा थी, उस धारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं, और प्रेमचंद जी ने ही प्रगतिशील कवियों की एक संस्था बनाई थी। उस संस्था में नित नए कवियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो ऐसे कवियों की वैचारिकता उनकी कविताओं में मिलती है। प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है, और प्रयोगवादी जो धारा थी, उस धारा की शिल्प विधा जो थी, यानी उस समय जिन शिल्पों का प्रयोग किया जाता था, उन शिल्पों की अनूठी विधा किसके अंदर मिलती है? शमशेर बहादुर जी की कविताओं के अंदर मिलती है। मतलब प्रयोगवादी धारा और प्रगतिशील धारा दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उन्होंने अपनी कविता में जिन शब्दों के माध्यम से या जिन बिंबों के माध्यम से अपनी रचना लिखी है, अपनी कविताओं में जिन बिंबों का प्रयोग किया है, वो बिंब सजीव लगते हैं और ऐसा लगता है मानो वो हमारे आंखों के सामने हो रहा हो सारा कार्य। और ऐसे चित्र जो पाठक होते हैं उनको मन को बहुत ज्यादा भाते हैं, अच्छे लगते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर आते हैं। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था, एडिटिंग भी की थी उसकी। प्रस्तुत कविता, यानी आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है उषा, उस कविता के अंदर भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। बच्चों, जो आप शब्द पढ़ते हैं जैसे उषा है, संध्या है, तो उषा कौन सा काल होता है? उषा होती है जब प्रातःकाल होती ही है, अर्थात सूर्य पूरा भी नहीं उगता है और अंधेरा पूरी तरह खत्म भी नहीं होता है। तो दोनों के बीच का जो टाइम होता है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का और रात्रि के मतलब पूरा खत्म होने का जो समय होता है, वो समय क्या कहलाता है? उषा कहलाता है। मतलब सूर्य की किरणें चारों तरफ पूरी तरह नहीं फैलती है, पूरी तरह प्रकाश चारों ओर नहीं छाता है, वो समय कहलाता है उषा का समय। ठीक है, तो ऐसे समय का अनूठा शब्द चित्र, यानी शब्दों के माध्यम से किसी चीज का चित्र प्रस्तुत करना, वो कहलाता है शब्द चित्र। तो इस कविता में वही है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब कवि ने इस कविता के अंदर उषा का जो तुलना करी है वो घरेलू बिंबों से की है। घरेलू बिंब यानी घर में जो कार्य होते हैं,
घर में जो चीजें घटित होती हैं उनके उनके आधार बना करके उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। गांव में किस प्रकार चौका लिपते हैं, किस प्रकार स्लेट का प्रयोग करते हैं और स्लेट पे कैसे खड़िया चौक का प्रयोग करते हैं। खड़िया यानी केसरिया रंग की जो चौक होती है उसे खड़िया चौक कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लौका चीपा करते हैं, मतलब लीपना चाकना जो कार्य होता है वो करते हैं। हम सिल के ऊपर चटनी पीसते हैं, तो मतलब जो सिलबट्टा होता है ना बच्चों, जिसके ऊपर चटनी पीसी जाती है, उन बिंबों का प्रयोग यहाँ पे कविता में अपने कवि ने किया है। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन संयोग इस कविता में है, अर्थात इनकी भाषा भी उत्तम है, इन्होंने जो बिंब प्रयोग किया है वो भी उत्तम है, और लय यानी गायन की दृष्टि से भी ये उत्तम कोटि की कविता मानी जाती है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र ना बनकर, अर्थात उसका केवल चुपचाप देखने वाला ना बनकर के भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। यानी इस सृष्टि के ऊपर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे उनका सौंदर्य, कैसे उनमें बहुत ज्यादा सुंदरता भरी हुई है, कैसे वो शोभा पाती हैं, इन चीजों को अकेला ना देख करके यानी चुपचाप ना देख करके उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से उसने कविता में पिरोया है और उसका आनंद सभी पाठकों को करवाया है। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका बहुत काली सिर, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। बच्चों, राख से लिपा हुआ चौका, जब गांव में कच्चे चूल्हे होते थे, माटी के चूल्हे होते थे, उन चूल्हों को रात को प्रयोग में मतलब काम पूरा हो जाने के बाद में उसको राख से मतलब उसको पूरा लीपा जाता था ताकि सुबह उसको काम में लिया जा सके। ठीक है, ऐसे ही जो स्लेट होती है स्लेट के ऊपर खड़िया चौक का प्रयोग किया जाता था। मतलब बहुत सारे बिंब ऐसे हैं जो पूरी पूरी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं कैसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है उषा यानी सूर्योदय होने से पहले, अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और सूर्य भी पूरी तरह नहीं उगा है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो समय है, उनके दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कहलाती है उषा। तो प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, तो प्रातः सूर्योदय होने से पहले पूरा आसमान कैसा है, नीले रंग का है, और वो नीले रंग का आसमान कैसा प्रतीत हो रहा है, नीले शंख के समान लग रहा है। भोर का नभ यानी सुबह का जो नभ है, सुबह होते ही जो आसमान है वो कैसा लग रहा है, नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। राख से लिपा हुआ चौका, अभी आसमान में मतलब जैसे थोड़ी सी रोशनी निकली सूर्य की, तो सूर्य की थोड़ी सी रोशनी होने पर जो तारागण थे वो तो छुप गए और आसमान जो है वो काले से नीला हो गया है, और वो नीले रंग का आसमान थोड़ी सी नमी पा करके ऐसा लग रहा है मानो राख से लिपा हुआ चौका है जो कि अभी गीला है। गीला चौका जो होता है मतलब आप राख से जब चौक उसको चूल्हे को लीपते हो तो वो हल्का स्लेटी रंग का हो जाता है, और वो स्लेटी रंग होने के कारण कैसा लग रहा है मानो वो अभी गीला पड़ा है, अभी बिल्कुल सूखा नहीं है पूरी तरीके से। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, और जैसे अब थोड़ी सी सूर्य की किरणें निकली, सूर्य की किरणें निकली तो आसमान कैसा हो गया, हल्का गुलाबी आसमान हो गया। जब वो आकाश थोड़ा गुलाबी हुआ तो ऐसा लगा मानो आसमान क्या है, काली सिल है जिसके ऊपर हम चटनी पीसते हैं, तो वो काली सिल के ऊपर किसी ने लाल रंग की केसर डाल दी हो और वो कैसा हो गया, वो लाल रंग का हो गया हो, हल्के नारंगी रंग का हो गया हो, ऐसा वहां पे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, आसमान कैसा लग रहा है आप, स्लेट के जैसा लग रहा है, तो आसमान कैसा लग रहा है आप, काले रंग की स्लेट लग रहा है। ठीक है, उस स्लेट के ऊपर ऐसा लग रहा हो किसी ने खड़िया चौक मल दियो। बच्चों आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे थे, आप तो क्या, जब हम छोटे छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम विद्यालय जाते थे, तो हमको जाते ही कॉपी हाथ में नहीं देते थे, पेंसिल हाथ में नहीं देते थे, हमारे पास एक स्लेट हुआ करती थी और स्लेट के ऊपर हम चौक या स्लेट की जो पेंसिल आती है उसका हम प्रयोग किया करते थे। आजकल तो स्लेट तो शायद ही किसी बच्चे को मिलती होगी, स्कूल जाते ही बच्चों को कॉपी पकड़ाई जाती है और कॉपी में उनसे पेंसिल से आकृतियां बनवाई जाती है बच्चों। तो उस टाइम पे जो कवि ने कविता लिखी है उस टाइम पे उसने अपने परिवेश का बताते हुए परिवेश का वर्णन करते हुए बताया है कि जय आसमान कैसा लग रहा है, स्लेट के समान लग रहा है, और स्लेट के ऊपर किसी ने खड़िया चौक मल दियो, खड़िया यानी कि खड़िया चौक होती है हल्का सा ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर होता है, तो ऐसे रंग की चौक का प्रयोग स्लेट के ऊपर कर दिया हो। अब यहाँ पर किस चीज का बताया, वर्णन बताया यहाँ पे कवि ने, यहाँ पे वर्णन बताया उस आसमान का जो कि
अंधेरा तो चला गया है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आसमान में फैल रहा है, और उस प्रकाश के फैलने पर ऐसा लग रहा है मानो आकाश में किसी ने, या आकाश रूपी स्लेट के ऊपर किसी ने, वो सूर्य के प्रकाश रूपी खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, उसको पूरा ऑरेंज कर दिया हो। नीले जल में या किसी की गौर जिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब जैसे सूर्य बढ़ा, सूर्य बढ़ने पर जो पानी है आसपास में, मतलब पानी फैला हुआ है, या ऐसे मान लो नदी में या समुद्र के अंदर जब सूर्य निकल रहा है, तो उसके निकलने से जो प्रकाश फैल रहा है नारंगी कलर का, या ऐसे करो पीले रंग का जो प्रकाश फैल रहा है, तो सागर की उठती गिरती लहरों के अंदर ऐसा लग रहा है मानो कोई महिला या स्त्री नहा रही हो, और उसके गौर वर्ण का यानी उसके गोरे शरीर की आभा से झलक पड़ रही है पानी के अंदर, जैसे वो इसमें स्नान कर रही हो, तो उसके अंग दिख, मतलब उसके अंग का जो कलर है ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। कैसे? सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के समय पानी के अंदर ऐसा लग रहा है मानो किसी स्त्री की देह झिलमिला रही है उस प्रकाश से, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। और अब जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे चारों ओर प्रकाश फैलता है, और उस प्रकाश के फैलने पर यानी चारों ओर सूर्य की किरणें जब पूरी तरह फैल जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो उषा का जादू छाया हुआ था चारों ओर वो टूट जाता है और सूर्योदय हो जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता उषा शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।